रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। नजदीक ही एक कमरे में चार मोमबत्तियां जल रही थीं। एकांत पाकर आज भी एक दूसरे से दिल की बात कर रही थीं। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ, पर मुझे लगता है अब इस दुनिया को मेरी जरूरत नहीं है। हर तरफ आपाधापी और लूट मार मची हुई है। मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती। और ऐसा कहते हुए कुछ ही देर में वह मोमबत्ती बुझ जाती है। दूसरी मोमबत्ती बोलती है, मैं विश्वास हूँ और मुझे लगता है झूठ और फरेब के बीच मेरी भी यहाँ अब कोई जरूरत नहीं है। मैं भी यहाँ से अब जा रही हूँ। और ऐसा कहती हुई वो भी बुझ जाती है। तीसरी मोमबत्ती भी दुखी होते हुए बोलती है, मैं प्रेम हूँ, मेरे पास जलते रहने की ताकत तो बहुत है, पर आज हर कोई इतना व्यस्त है कि मेरे लिए किसी के पास वक्त ही नहीं है। दूसरों से तो दूर लोग अपनों से भी प्रेम करना भूलते जा रहे हैं। मैं ये सब और नहीं सह सकती। मैं भी इस दुनिया से अब जा रही हूँ। और ऐसा कहते हुए तीसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। वो अभी बुझी ही थी कि एक मासूम सा बच्चा उस कमरे में दाखिल होता है। मोमबत्ती को बुझे देखकर वह घबरा जाता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वो रुहासा होते हुए बोलता है, अरे तुम मोमबत्तियां जल क्यों नहीं रही हो? तुम्हें तो अंत तक जलना है। तुम इस तरह बीच में हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो? तभी चौथी मोमबत्ती बोलती है, प्यारे बच्चे घबराओ नहीं, मैं आशा हूँ और जब तक मैं जल रही हूँ हम बाकी मोमबत्तियों को भी फिर से जला सकते हैं। यह सुनकर बच्चे की आंखें चमक उठी और उसने आशा के बल पे शांति, विश्वास और प्रेम को फिर से प्रकाशित कर दिया। तो प्रिय मित्रों, जब सब कुछ बुरा होते दिखे, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आए, अपने भी पराए लगने लगे, तो भी उम्मीद मत छोड़िए, आशा मत छोड़िए, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है कि हर खोई हुई चीज को आपको वापस दिला सकती है। अपनी आशा की मोमबत्ती को जलाए रखिए। बस अगर ये जलती रहेगी तो आप किसी भी और की मोमबत्ती को प्रकाशित कर सकते हैं।